अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिटेर रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 4 है, मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन, प्रॉब्लम 78 है। वो कहते हैं ओवरहेड व्यू से आप देख रहे हैं जी पी और बी दिखाई जा रही है, ये जी पी का रास्ता है, ये जी बी का रास्ता है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ आपका नॉर्थ है। स्ट्रेट लाइंस है अक्रॉस द फ्लैट रीजन, आपके पास पास द स्टेशनरी बॉर्डर गार्ड, ये गार्ड बॉर्डर है जिसको उन्होंने क्रॉस करना है। अब वो कहता है रिलेटिव टू द गार्ड बी ट्रेवल एट द कॉन्स्टेंट स्पीड, इसके लिहाज से उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है, यानी थीटा 2 30 है। फिर वो कहता है पी के लिए उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो 0.400 मीटर पर सेकेंड है और एंगल इसका 60 डिग्री है, यानी ये 60 डिग्री है। सर्टेन टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो 40 आपके पास उसकी स्पीड पहुंच जाती है पी की, 40 मीटर पर सेकंड। अब हमसे मांग क्या रहा है कि हमसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ पी की वेलोसिटी का रिलेटिव टू द बी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ पी बताओ, एक्सेलरेशन का बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी। यानी एक दफा पी की वेलोसिटी बतानी है, एक दफा पी का एक्सेलरेशन बताना है। तो जीप बी को पहले हम देखते हैं, जो हमें पहला डाटा दिया गया है, हमें उसकी वेलोसिटी दे दी गई थी, एंगल दे दिया गया था, उसके कंपोनेंट लेके हम टोटल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं यूनिट वेक्टर की नोटेशन में, तो 17.3i प्लस 10j हो जाएगा। इसी तरीके से पी की वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू ए देख लेते हैं, हमें उसकी वेलोसिटी पता है 40 है, एंगल पता है 60 है, तो इसके भी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं, तो ये अब आपके पास 20i प्लस 34.6j आ जाएगा। अब आपने पी की वेलोसिटी बतानी बी के लिहाज से, तो अब आपको दोनों पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, दोनों का डिफरेंस डालेंगे तो पी बी आ जाएगा, आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ डील करेंगे, 2.68i प्लस 24.6j हो जाएगा। मैग्नीट्यूड उठाया जा सकता है आई के साथ जो है, जे के साथ जो है, उसका स्क्वायर लेके स्क्वायर उठा लेंगे, 24.8 आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो ये आपके पास नॉर्थ ऑफ ईस्ट के बीच में आ जाएगा 83.8। तो अब आप साउथ ऑफ ईस्ट के लिहाज से देखोगे तो 6.2 हो जाएगा। फिर आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द पी की बात करें तो अब आप कह सकते हैं कि पी का जो हमें एक्सेलरेशन भी दिया हुआ था, एंगल भी दिया हुआ था, तो पी के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे एक्सेलरेशन के, तो उसी तरीके से पी के दोनों कंपोनेंट बना लिए। अब आप उसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड उठा सकते हैं, उसका थीटा बता सकते हैं, आई और जे के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर लेके सम करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, 0.40 आ जाएगा, और इसी तरीके से आप थीटा लेंगे वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल तो वो 60 आ जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।